अनु झा और आपने ट्यून किया है झा अनु क्रिएशन। आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मेरे पास जो है ना, मैंने इससे प्लाजो बनाया था, उसका मैंने आपको कटिंग और स्टिचिंग का भी वीडियो दिया था। और अब मेरे पास इसके इस कपड़े के केवल इतने टुकड़े बचे हुए हैं, इतने टुकड़े बचे हुए हैं जिससे कि मतलब दोनों पोर्शन भी नहीं बन सकता है, मतलब आगे पीछे दोनों ही नहीं बन सकता है। और ये बाजू के लिए चलिए थोड़ा सा इसको जोड़ तोड़ करके इतना ये मेरे पास बचा हुआ है। तो ये इसकी वजह से इससे मुझे टॉप बनाना है उसका। तो मैंने इसी से मिलता जुलता एक कलर ये लेके आ गई थी, एक कलर का कपड़ा मैं लेके आ गई थी मार्केट से, एक मीटर मैंने ये लेसेस है, देखिए ये लेसेस हैं कुछ मेरे पास, तो मैं इन सब का यूज़ करते हुए कुछ नए स्टाइल का ये बना के दिखाती हूँ। देखिए मैं क्या बनाऊँ, कुछ मैं समझ नहीं पा रही हूँ, तो अभी मैं समझ के इसको कोशिश करती हूँ, ये मैं बनाऊँगी और बना के फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो देखते कर रही हूँ इस टॉप की कटिंग, तो टॉप बना रही हूँ, शॉर्ट कुर्ती बना रही हूँ मैं, लेकिन इसकी कपड़े जो है इसके वो बहुत कम है, थोड़ा सा इसका ये बना प्लाजो बना लिया था तो इसका कपड़ा जो है वो कम हो गया था, तो कम कपड़ा है ये, तो इससे मैं बना रही हूँ। तो देखिए इस सब क्या करना पड़ेगा, इसको आगे पीछे का दोनों का पल्ला हम एक साथ नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि वो दोनों पूरा नहीं हो पाएगा, तो और आड़े तिरछे में मैं नहीं लेना चाहती हूँ, नहीं तो वो बन भी जाता है तो लाभ बाद में वो टाइट हो जाता है, तो सीधी ही लेनी चाहिए हमेशा ही। तो ये देखिए मैंने इसको क्या किया है, इसको फोल्ड कर लिया है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो सिर्फ हम ये पीछे का पल्ला निकालेंगे, अभी हम सिर्फ इसका पीछे का पल्ला निकालेंगे। तो ये देखिए पीछे के पल्ले के लिए हमने ये लिया है 3 इंच, इसका गले का लिया है 3 इंच, ठीक है 3 इंच पर मैंने इसका गले का गल लगा रही हूँ, और इससे सीधा और 3 इंच मैंने इसका डिप भी लिया है, तो ऐसे लेके और इसको जो है ना वो थोड़ा सा वो राउंड शेप देते हुए हम गला का ये बना लेंगे। और ये देखिए ये इसके बाद मैंने यहाँ से शोल्डर जो है वो 7.5 इंच का लिया है, तो 7.5 इंच का मैंने शोल्डर लिया है, और इधर भी मैंने 7.5 इंच ही लिया है, तो इधर भी 7.5 इंच है, तो यहाँ से भी हम एक बॉक्स बना लिए। और ये शोल्डर के पास से हमारा चेस्ट एरिया जो है वो 40 का मैं बना रही हूँ, तो 2 इंच लूजिंग का डाल के मैं 2 इंच लूज रखती हूँ, ऐसे लोग 1 इंच लूज रखते हैं लेकिन मुझे थोड़ी सी लूज फिटिंग ही अच्छी लगती है, तो मैं 2 इंच लूज रखती हूँ। तो 12 पे मैं इसको यहाँ निशान लगा ली हूँ और इसको मैंने एक बॉक्स बना लिया है, तो बॉक्स बना के इसको 1 इंच का इसमें हम बीच में ऐसे 1 इंच का ये देंगे, और इसको देते हुए हम क्या करेंगे इसको गोलाई शेप ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंधे का नाम। अब हम करेंगे शोल्डर डाउन, तो शोल्डर जो है वो 1/2 इंच इधर डाउन होगा, ठीक है, तो ये 1/2 इंच इधर डाउन होगा, तो इधर ऊपर से मैं इधर से लगाते हुए इधर उधर नहीं निशान लगाना है, इधर के तरफ निशान लगाते हुए मैं 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर दूंगी। तो ये देखिए मेरा ये हो गया। अब ये 14 इंच पर देखिए, यहाँ से 14 इंच पर जो है ना वो मैंने इसका साइज लिया है, कमर का साइज लिया है, तो कमर का साइज हमने 11 रखा है, तो 11 लिया है कमर का साइज, ठीक है। और उसके बाद ये 22 इंच का बन रहा है हमारा, 22 इंच का बन रहा है, 22 इंच पे हमारा हिप का नाप लगता है, तो हिप का नाप भी मेरा 12-40 है, तो 40 हो गया, तो उसमें 2 इंच की लूजिंग रखते हुए मैंने 12 ले लिया है, ये देखिए 12 ले लिया। अब सारी लाइंस को हम मिला देंगे, तो सबसे पहले इसको मिलाएंगे, ये वाली लाइन जो है इसको हम ऐसे मिला देंगे, और इसके साथ ही हम फिर इसको मिला देंगे, ठीक है, ये वाले लाइन को भी हम इसके साथ ही ऐसे मिला देंगे। ये देखिए मैं इस उस दिन पिंक को ये ब्लू कलर के साथ नहीं दिख रहा था, इसलिए मैं आज पिंक लेके आई हूँ कि पिंक से दिखेगा। तो ये मेरा हो गया पीछे के पल्ले का माप तैयार हो गया। ये थोड़ा सा आरा तिरछा कपड़ा है, तो ये मैंने इसको ये करके रख दिया है कि मतलब इसको लाइन लगा लिया, और यह अब मैं इसका कटिंग करके रख ली हूँ। तो ये देखिए कटिंग हो गया, इसे इसका कटिंग कर देंगे, और ये सारा पोर्शन, तो ये हमारा देखिए पीछे का पोर्शन तैयार हो गया है, तो ये पीछे का पोर्शन अब हमारा तैयार हो गया। अब इसकी थोड़ी सी लेंथ बढ़ानी होगी क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो क्या है, इसकी लेंथ जो है वो 22 इंच बना है और मुझे अकड़ना है, तो 8 इंच के लिए मैं देखती हूँ कि क्या लगाना पड़ेगा इसमें, तो वो करती हूँ। अब मेरे पास जो है ये पीछे का पल्ला तैयार हो गया, तो मैं इसको पीछे का पल्ले को इधर रख देती हूँ। अब मेरे पास बच गया है इतना कपड़ा, तो ये इसको मैं पहले सीधा कर लेती हूँ कि सीधा करके देखूँ कि कितना ये कितनी मेरी लेंथ की ये बची हुई है, उसके हिसाब से मुझे दूसरा पल्ला तैयार करना होगा। तो सबसे पहले इसको मैं बराबर कर लेती हूँ, मुझे ये भी चाहिए 13×26 13 उधर रखा था, तो इधर भी मुझे 13 रखना है, तो 13×22=26 लेना है, तो ये 13 आ रहा है, तो 13 इंच मुझे और चाहिए। तो 13 इंच के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं इसको हाफ कर दूं और इसको दोनों साइड में पट्टी कर दूं और बीच में प्लेन कर दूं, या फिर मैं दो प्लेन कलर जो है मेरे पास इसका मैं जो है वो साइड में लेके कर लूँ, तो वो मैं देखती हूँ कि मैं क्या करूँगी। तो पहले तो मैं ये 13 इंच निकाल लेती हूँ, इसका जो है ना बराबर पोर्शन वो मैं निकाल लेती हूँ इसको कटिंग करके।
तो इस तरह से देखिए आप स्क्रैच से बहुत अच्छे से बना सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, यदि बचे खुचे कपड़े हैं हमारे पास तो हम जो है उसको बर्बाद ना करके उसको भी हम बहुत सुंदर सा कुर्ती का शेप दे सकते हैं। तो देखिए ये कुर्ती कैसा मेरा बन के तैयार होता है। और ये सब देखिए, ये जो बचा हुआ है बाजू में लाइनिंग लगाने में, गले में, ये करने में, अभी एक भी कपड़ा छोटा सा टुकड़ा भी मुझे नहीं फेंकना है। तो ये देखिए मेरा ये 13 इंच का है, तो इसको या तो मैं ऐसा करूँ कि इसको मैं बराबर कर दूँ ऐसे, ठीक है, और बीच में जो है वो मैं ऐसे ले लूँ कि मतलब बीच का पोर्शन ये ले लूँ, ठीक है, ऐसे, और दूसरे साइड भी इसी कलर का। मैं मान लीजिए मेरे पास ये कपड़ा है, मैं एक बार आपको डाल के दिखाती हूँ, या मैं तो मतलब इस तरह से ले लूँ कि इधर भी मैं ये कलर का कपड़ा डालूँ, ठीक है। तो देखिए ये इस तरह का बन के आता है, तो ये कैसा लगता है, या तो मैं इस तरह से करूँ, ठीक है, या तो फिर ये वाला पोर्शन जो है वो पूरा मैं बीच में ले लूँ और दोनों साइड जो है वो ये पोर्शन को जो है वो दोनों साइड जो है वो कट करके ये दोनों साइड जो है वो ऐसे लगा दूँ, ठीक है। तो अब इसमें से क्या अच्छा लग रहा है वो अब देखना पड़ेगा कि क्या अच्छा लगेगा, क्योंकि फिर नीचे भी मैं इसके साथ ही लंबाई बढ़ाऊंगी, इसके साथ और लेस के साथ ही लंबाई बढ़ाऊंगी। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ, नेक पोर्शन इसमें बनाऊँ या ये करूँ, तो देख के मैं बताती हूँ, फिर मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। देखिए ये डिजाइन लेके और दोनों तरफ से मैंने ये प्लेन कपड़ा जोड़ दिया है, तो इससे थोड़ा सा मुझे अच्छा लुक आ रहा था। और इस पे मैं थोड़ा सा लेस वगैरह का काम कर दूंगी, जैसे कि यहाँ का ज्वाइंट है तो ज्वाइंट पे मैं थोड़ी सी सोच रही हूँ कि इस तरह से इसकी लेस लगा दूंगी। तो देखती हूँ पहले कटिंग करके ये कहाँ आता है, फिर मैं इसको ऐसे जैसे लेस लगा दूंगी तो इसका लुक बहुत ही खूबसूरत सा आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा कुर्ती तैयार हो जाएगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरा बैक पोर्शन को ले लेंगे और जिस तरह से बिल्कुल बराबर करके, देखिए बैक पोर्शन को लेके और पूरा ही बराबर करके हम इस पे डाल लेंगे अच्छी तरह से बिल्कुल ऐसे। तो ये देखिए इस तरह से इसको हम ले लेंगे और इसके बराबर से ही हम इसको कटिंग कर देंगे। और इसको कटिंग करने के बाद फिर जैसे आगे का नेक पोर्शन थोड़ा सा डीप रखेंगे तो वो कर लेंगे, और पीछे का भी नीड गई ये कटिंग ज़्यादा होगा तो वो कर लेंगे। तो आगे का पोर्शन तो गला तो इतना ही होगा, 3 इंच का 3 इंच ही रहेगा। और आगे मैं भी बनाना चाहती हूँ, तो भी बनाने के लिए मैं क्या करूँगी कि भी का शेप मैं लूँगी, इसमें 6 इंच का लूँगी, 6 इंच का लूँगी मैं भी। तो ये देखिए 6 इंच यहाँ से नाप लेके यहाँ पे मैं एक लाइन लगा दूंगी, ठीक है। तो ये देखिए ये लगा दिया और इसका हम बी का शेप ले लेंगे इस तरह से लेते हुए। तो इसे नहीं आ रहा है अच्छा सही से, तो मैं इससे ले लूँगी कि ये टिका रहता है ना, तो ये बराबर आता है, तो इससे मैं ऐसे बी का शेप ले लूँगी। तो ये देखिए मैंने भी का शेप ले लिया, बस ये गले का ये कटिंग करूँगी और ये बाजू का जैसे है उसी तरह का मैं इसमें इसी से निशान लगा लूँगी। इसी से निशान लगाते हुए देखिए इसी तरह से आप लोग भी निशान लगा लीजिए, और आगे का जो है वो ये शोल्डर भी डाउन कर देंगे इसी से, और आगे का ये पोर्शन भी इस तरह से कट करते हुए यहाँ से गोलाई का शेप ले लेंगे। और ये मैं कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ, कटिंग करती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने आगे का पोर्शन का कटिंग करके रख लिया, गला भी बनाना है तो भी का भी मैंने कटिंग करके रख लिया। अब पट्टी वगैरह काटूंगी और बाजू की कटिंग बाकी है, तो बाजू की कटिंग के लिए मैं सोच रही हूँ कि बाजू किस चीज़ से बनाऊँ, या तो इससे बनाऊँ या प्लेन से बना के इससे लाइनिंग लगाऊँ, ये लगाऊँ बॉर्डर लगाऊँ, ये मैं इस चक्कर ये सोच रही हूँ। तो इसके बाद मैं आपको करके दिखाती हूँ, मैं पहले इसमें तैयार करती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको बीगला को आगे का बीगला बना लिया है। अब मैं इस पर लेस लगा रही हूँ, तो लेस से थोड़ा सा इसका लुक अच्छा आ जाएगा। तो मैं इसके नेक पे लेस लगा रही हूँ,
देखिए फ्रेंड, ये मैंने आगे का गला भी बना लिया है। ये देखिए आगे का गला बन के मेरा तैयार हो गया है, ये दिख रहा होगा आपको। इसको इस तरह से लेस लगा के मैंने आगे का गला तैयार कर लिया, और पीछे का भी गला मैंने पट्टी लगा के, ऐसी पट्टी लगा के मैंने इसको कर दिया। अब हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। अब पहले हम शोल्डर को ज्वाइन कर लेंगे, तो आगे पीछे का दोनों का शोल्डर साथ रख के इस तरह से उल्टे में इसका हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये अब मेरा ये कुर्ता तैयार हो गया है। इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए भी मैंने थोड़ी सी ये कपड़े को यूज़ किया है, और इसको विड्थ बढ़ाने के लिए भी ये किया है। जब मैं ये थोड़ा सा काम बाकी है, जैसे हो जाता है तो मैं आपको दिखाती हूँ इसको कि क्या करना है, क्या है मैंने इसमें क्या सब किया है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ ये करके। ये देखिए फ्रेंड, ये बचे हुए कपड़े से, देखिए बचे कुचे कपड़े थे, बचे हुए थे मेरे पास इस तरह के कपड़े, तो मैंने इसे ये तैयार किया है। तो ये कैसा बना आप लोग ज़रूर बताइएगा। देखिए इस तरह से इसकी मैंने आपको कटिंग स्टिचिंग दी है। अब इसका मैं आपको फुल लुक दिखा रही हूँ। तो देखिए ये इस तरह से बन के हमारा तैयार हुआ है। तो ये कैसा बना आप ज़रूर बताइएगा। तो जो लंबाई बढ़ाने के लिए आप इस तरह से भी कर सकते हैं। पीछे का पोर्शन भी बिल्कुल प्लेन लिया है, जैसे नीचे का दामन जैसे है वैसे पीछे भी है। मैं इसको पहन के आपको फुल लुक दिखाऊंगी। इसके साथ मैं प्लाजो जो बनाया है ना, वो पहन के फुल वीक दिखाऊंगी। ये भी सिर्फ कुर्ते का कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो दी हूं। तो आप मेरे चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।